हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मूंग दाल पकौड़ा सभी को खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए दोस्तों, मूंग दाल पकौड़ा बिल्कुल ही क्रिस्पी और करारा बनके तैयार हुआ था। चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। मूंग दाल पकौड़ा बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप मूंग की दाल। यहाँ मैंने मूंग की दाल को अच्छे से धो करके 1 घंटा पानी में सोख कर लिया है। हम लेंगे 1 ग्राइंडिंग जार और इसमें मूंग दाल डालेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने मूंग दाल डाल लिया है। इसमें 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का कटा हुआ डालेंगे और जार का ढक्कन लगा के हम इसे दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह मूंग का दरदरा पेस्ट तैयार करेंगे। पेस्ट तैयार करते समय आप इसमें 2 से 3 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं। पिसी हुई मूंग दाल को चम्मच से हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने मूंग दाल को निकाल लिया। इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक डालेंगे या स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, 2 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे, 8-10 कड़ी पत्ता इस तरह तोड़ करके डालेंगे, चुटकी भर या 1 पिंच हींग डालेंगे और अब सभी इंग्रेडिएंट को हाथ से अच्छी तरह मिला लेंगे, जिससे मूंग दाल पकौड़ा में सभी इंग्रेडिएंट का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए। इस तरह मिला के यहाँ मैंने तैयार कर लिया है। और चलिए अब मूंग दाल पकौड़ा बनाने के लिए तेल गरम कर लेते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने रख दिया है। हम इसे थोड़ा सा दाल डाल के इस तरह चेक करेंगे कि तेल हमारा गरम हुआ है कि नहीं। ये देखिए, तेल हमारा गरम हो गया है। हम इसमें चम्मच से मूंग दाल पकौड़ा डालेंगे फ्राई होने के लिए। आप हाथ से भी मूंग दाल पकौड़ा बना सकते। ये देखिए, चम्मच से हम थोड़ा थोड़ा बैटर लेकर के इस तरह कढ़ाई में डालेंगे। इस तरह मूंग दाल पकौड़ा को डालते हुए मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे, जिससे मूंग दाल पकौड़ा हमारा क्रिस्पी और करारा बनके तैयार होगा। ये देखिए, यहाँ मैंने सभी मूंग दाल पकौड़ा को मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने देंगे। ये देखिए, पकौड़ा में हमारा एक तरफ से लाइट ब्राउन कलर आ गया है। इस टाइम पे इसे पलट कर दूसरी तरफ से भी हम फ्राई होने देंगे। मूंग दाल पकौड़ा को पलट कर दूसरी तरफ से भी मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कर लेंगे। बारिश में बेसन के पकौड़े खा के अगर आप बोर हो गए हैं तो इस तरह से मूंग दाल पकौड़ा बनाइए और खाइए, घर में सभी को बहुत पसंद आएगा। ये देखिए, हमारा मूंग दाल पकौड़ा बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी पकौड़े को भी फ्राई करके निकाल लेंगे। और चलिए गर्मा गर्म मूंग दाल पकौड़े को चटनी के साथ सर्व करते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें।